हेलो गाइस, मेरा नाम है निर्मल मेवाड़ा और मैं रहता हूँ अहमदाबाद में और मेरी दुकान भी अहमदाबाद में। तो आज अपन बात करते हैं एक ऐसे बिजनेस की जिसमें आप थोड़ा सा पैसा लगाकर महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो। और ये बिजनेस भाई कभी जिंदगी में भी बिजनेस नहीं आया। कोई भी त्यौहार हो तो चलेगा, शादी होगी तो चलेगा, सगाई होगी तो चलेगा, घर में मर भी जाएंगे तो भी चलेगा, जिंदा होंगे तो चलेगा, जन्म होगा तो भी चलेगा, मरण होगा तो भी चलेगा। ये बिजनेस सब जगह चलेगा भाई। इस बिजनेस की कोई एंड नहीं है, कोई खत्म नहीं है। इस बिजनेस में अगर आपके घर में खुशी आ जाएगी तो भी ये मिठाई चाहिए, तो भी मतलब वो वस्तु चाहिए, तो ये धंधा चलेगा ही चलेगा। और इस बिजनेस में भाई त्योहारों पे तो भीड़ पड़ती है इस बिजनेस में। और इसमें बिजनेस में क्या थोड़े से पैसे लगाने हैं भाई, कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगाना, थोड़ा सा पैसा लगा के महीने के लाखों रुपये कमा सकते हो। अभी ये बिजनेस सबसे टॉप लेवल का बिजनेस है। इस बिजनेस में ऐसा नहीं है कि भाई ये अभी चलेगा, सीजन आएगी, ऑफ सीजन आएगी, ऐसा नहीं है। एनी टाइम सीजन है भाई, 365 डेज फुल सीजन रहेगी इसमें। इसमें नहीं भाई आज सीजन है, कल नहीं है, वो नहीं है, सब फुल कराकी रहेगी आपके। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ की अपन बात करते हैं भाई। तो पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हो? नौकरी कर रहे हो, गुलामी कर रहे हो, सेट के तलवे चाट रहे हो, बॉस के तलवे चाट रहे हो, तो भाई जिंदगी खराब हो जाएगी आपकी। मैं कसम से कह रहा हूँ आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा अगर आप इन चीज़ों में पड़े रहे। तो नौकरी करते रहो तो नौकरी करते करते आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन नौकरी कभी खत्म नहीं होगी भाई। ठीक है, लोगों की दुकानों पर अगर आप नौकरी कर रहे हो तो मैं कसम से कह रहा हूँ नौकरी छोड़ देना। आपके अच्छे फ्यूचर के लिए कह रहा हूँ, आपका अच्छे बेहतर भविष्य के लिए मैं कह रहा हूँ नौकरी छोड़ देना भाई। नौकरी जिंदगी बर्बाद कर देगी आपकी, ये आप बोलो तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, आपकी जिंदगी पूरी खराब कर देगी। ठीक है, अगर 10,000, 15,000, 20,000 वाली सैलरी वाली नौकरी है तो भैया छोड़ देना, कसम से कह रहा हूँ छोड़ देना, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं हो सकता भाई। आपको अगर लगता है कि 10,000, 15,000, 20,000 सैलरी बहुत अच्छी सैलरी है तो ये खाली आपकी बहुत छोटी सोच है, बहुत छोटी सोच है, बहुत ही ज्यादा छोटी सोच है। ठीक है, सैलरी 15,000, 20,000, 30,000 की सैलरी भाई कुछ नहीं है। आप कुएं के मेंढक हो क्या? कुएं के मेंढक आप जब तक समुंदर में नहीं जाओगे तब तक पता नहीं चलेगा कि पानी कितना लंबा है, कितना दूर है, समुंदर कितना बड़ा है। कुआ तो कितना, ये इतना सा होता है, आपको कुआ अच्छा लग रहा है, लेकिन समुंदर में जाओगे तब पता चलेगा। आज आपकी 20,000 सैलरी है लेकिन बिजनेस करोगे फिर 20,000 सीधा 2,00,000 में कन्वर्ट हो जाएगा, तब पता चलेगा यार मैंने इतना समय क्यों वहां पे वेस्ट कर दिया, तब आपको पता चलेगा, फिर आप पछताओगे, पछताने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ नौकरी अगर कल छोड़ रहे हो तो आज नौकरी छोड़ देना। मैं कह रहा हूँ जिंदगी आपकी सवर जाएगी, नौकरी छोड़ देना भाई, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली कह रहा हूँ, नौकरी छोड़ देना जिंदगी। अगर आपको फ्यूचर अच्छा बनाना है, जिंदगी अच्छी बनाना है तो नौकरी छोड़ देना। नौकरी में कोई आपका कोई नहीं है फ्यूचर, अच्छा फ्यूचर 10, 15, 20 हज़ार सैलरी, 25,000 सैलरी में आपके सपने पूरे नहीं हो सकते हैं भाई। मैं ये लिख के ले सकता हूँ, आप अपने सपने पूरे नहीं करा हो सकते हैं आपके, दूसरों क्या करोगे है? अपने माँ बाप के सपने पूरे नहीं होंगे आपके। जब सपने पूरे आपके नहीं होंगे, आपके माँ बाप के नहीं होंगे, तब आप कोसोगे अपने आप को कि यार मैं क्या करता रहा।
देखते हो मैं एक ऐसा बिजनेस लेके आया हूँ जिसमें आप थोड़े से पैसा लगाकर महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो भाई, और ये बिजनेस 100% चलेगा भाई। इस बिजनेस के चलने का चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। जिन जिन लोगों ने ये बिजनेस किया है, कसम से कह रहा हूँ, अच्छा पैसा बनाया है, उमदा पैसा बनाया, ठीक है। वो बिजनेस है भाई मिठाइयों का बिजनेस। भाई मिठाइयों का बिजनेस में क्या है, घर में आपकी सगाई है तो भी मिठाई आएगी, घर में आपकी शादी है तो भी मिठाई आएगी, घर में मतलब होली है तो ही मिठाई आएगी, दिवाली है तो ही मिठाई आएगी, रक्षाबंधन है तो ही मिठाई आएगी, इसके घर पे बच्चा हो गया तो मिठाई आएगी, लड़की हो गई तो मिठाई तो भाई आती ही रहेगी। आप कहीं लड़के देखने वाला आ गया तो ही घर पे मिठाई आएगी, आपके घर पे कोई मेहमान आएगा तो भी मिठाई आएगी। भाई मिठाई अपने इंडिया में हर ऐसी एक चीज है जो हर किसी हर कोई त्यौहार में लाई जाती है। घर पे आपके मान लो दिवाली है तो मिठाइयाँ आएगी, होली है तो मिठाई, हर त्यौहार पे भाई मिठाइयाँ आती है। और मिठाई का बिजनेस सबसे बेस्ट बिजनेस है भाई, उसमें कभी भी आपको घाटा नहीं होगा आपको, ठीक है। भैया मिठाई की दुकान कैसे शुरू करें, ठीक है, मैं 15 पॉइंट आपको ऐसे बताने वाला हूँ। अगर आप मिठाई की दुकान कर चुके हो या करने वाले हो तो आपकी जिंदगी सुधर जाएगी, ठीक है। मिठाई की दुकान कैसे शुरू करें, तो मिठाई की दुकान के लिए आपको क्या करना है कि 15x20 की आपको दुकान देखनी है, ठीक है, बड़ी दुकान देखनी है, और आपको वो मिरर वाले फ्रीजर लाने हैं, आपको 4 से 5 मिरर वाले फ्रीजर लाने हैं, और आपको 1-2 स्टाफ रखना जो मिठाइयाँ बना सके, और बाकी दूध का सेटिंग रखने का, ये इन सब चीज़ों का आप सेटिंग करके आप दुकान स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर मिठाई की दुकान की रिसर्च, तो भाई आप देख लो आपके जिस मार्केट में आप दुकान कर रहे हो मिठाई की, वहाँ पे आस पास में मिठाइयों की दुकानें कितनी हैं, ठीक है भाई। बहुत ज़्यादा दुकानें मिठाई की दुकान नहीं होनी चाहिए, मिनिमम होगी तो चलेगी, मतलब एक मार्केट है इसमें एक मार्केट में 8 से 10 दुकान हो सकती है, इससे ज़्यादा मार्केट में दुकान होगी तो फिर क्या मज़ा नहीं आएगा, धंधा करने मज़ा नहीं आएगा। और जिनकी दुकानें हैं वहाँ पे आप पूछ लो कि भाई यहाँ पे मिठाइयाँ कैसी चलती है, कितनी महंगी तक चलती, कितनी सस्ती चलती, कौन सी क्वालिटी चलती, कौन सी मिठाई नहीं चलती, सारा रिसर्च कर लें। फिर मिठाई की दुकान के लिए कच्चा माल, तो भाई आपको पता हो तो अभी आजकल सारी मिठाइयाँ भाई घर पर नहीं बनाते, कोई कोई मिठाई आपको कच्चा माल मिल जाता है, जैसे वो मेवा हो गया, ठीक है, जलेबी होगी तो कच्ची जलेबी हो गई, तो सारा भाई कच्चा माल रेडीमेड भी मिल जाता है, तो वो ऐसा भी आप सेटिंग करके रखो जैसे कच्चा माल लाए और बनाए और तुरंत बना के दे दिया, ठीक है। फिर मिठाई की दुकान के लिए जगह, तो भाई मिठाई की दुकान की जगह मैं बात करूँ तो मिठाई की दुकान एक ऐसी जगह आपको करनी है जहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा आती जाती रहती हो, वहाँ पे जहाँ पे मतलब पब्लिक ज़्यादा खड़ी रहती हो, बस स्टैंड हो या फिर कोई पब्लिक जहाँ पे पब्लिक का ज़्यादा खड़ा रहने की जगह हो ना, ज़्यादा बैठने की जगह हो, ज़्यादा आने जाने की जगह हो, वहाँ पे आपको दुकान करनी, जैसे 4 रास्ते हो गए, बस स्टैंड हो गया, या ऐसी कोई जगह पे आपको दुकान करनी जहाँ से आपकी मिठाई की दुकान अच्छी तरह से दिखे, ठीक है। फिर मिठाई की दुकान के लिए लाइसेंस, अपन मिठाई की दुकान लाइसेंस की बात करें तो आपको फूड लाइसेंस लेना है, जो कि फूड लाइसेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है, कॉर्पोरेशन से लेके आप फूड लाइसेंस ले सकते हो, और अपनी दुकान का पंजीकरण करवा ले, और तीसरा लाइसेंस आप अपनी दुकान का GST जरूर ले लें, क्योंकि भाई दुकान के लिए GST आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और GST होगा तो आप किसी को बिल देना तो बिल भी आप दे सकते हो, ठीक है। फिर मिठाई की दुकान के लिए कर्मचारी, तो भाई कर्मचारी की बात करें तो एक तो आपको सेल्समैन रखना है, एक जो मिठाई वर्कर जो मिठाइयाँ बनाता है वो रखना है, और एक आपको हेल्पर रखना है, और एक आप खुद, मतलब 3 सेल्समैन आपको रखने हैं, 3 आदमी रखने हैं, 3 स्टाफ कर्मचारी, एक चौथे आप हो गए, ठीक है। फिर हम मिठाई की दुकान की पैकेजिंग, तो मिठाई की दुकान में पैकेजिंग हमेशा आपको बॉक्स टाइप के रखने हैं भाई, बॉक्स रखने हैं, ठीक है। फिर जो प्लास्टिक के डब्बे आते हैं वैसे डब्बे, सारी मिठाई की दुकानों पे मिठाई के बॉक्स, और मिठाई के बॉक्स हो गए, मिठाई के डब्बे हो गए, और मिठाई की जो थैलियाँ होगी, सारी चीज़ों पर आपकी दुकान का नाम लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं हो जिसमें आपकी दुकान का नाम नहीं हो, तो सारी चीज़ें आपकी दुकान का नाम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर मिठाई की दुकान के लिए लागत, तो भाई अपन लागत की बात करें तो इसमें 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा कम से कम, ठीक है। मिठाई की दुकान ऐसे नहीं बनती, मिठाई की अपन खर्चे की बात करें तो आपका 5 लाख का कहाँ खर्चा आएगा, तो आपको फ्रीजर लाने पड़ेंगे, 4 से 5 फ्रीजर लाने, वो भी जो आमने सामने दिखने वाले भाई, क्योंकि भाई मिठाई आप अंदर रखो तो वो सामने से दिखे, जैसे आपको लाने पड़ेंगे, वो एक फ्रीजर कम से 40 से 50 हज़ार के आसपास आता है, तो अपन 4 फ्रीज लाए तो 2 लाख रुपये तो उसमें हो जाएगा, ठीक है। फिर आप थोड़ी उसका डिज़ाइन थोड़ा बनाओगे, फर्नीचर करवाओगे, उसमें आपका 1 लाख रुपये चला जाएगा,
ठीक है, 3.5 लाख बाकी 1.5 लाख रुपये आपके बोर्ड में और कच्चा मटेरियल लाने में, इन सब चीज़ों में आपका चला जाए, तो 5 लाख रुपये का बजट आप मिनिमम रखें। फिर है मिठाई की दुकान में लाभ, भाई तो प्रॉफिट की बात करो तो इसमें 70 से 80% प्रॉफिट रहता है इसमें, ठीक है। अभी मिठाई है मार्केट में 500 से 600 रुपये किलो आपकी बिक रही है, ठीक है। अगर 1 किलो मिठाई एक ग्राहक लेकर जाता है उसमें आपको प्रॉफिट 300 से 350 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। अगर पर डे आपको 10,000 का धंधा होता है इसमें आपको प्रॉफिट 5 से 5.5 हज़ार के आसपास प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। फिर मिठाई की दुकान के लिए मार्केटिंग, तो पहले मिठाई की दुकान के लिए मार्केटिंग की बात करें तो आपको सबसे पहले अपनी दुकान के बाहर अच्छा सा लाइटिंग वाला बोर्ड बनवाना है, ठीक है। और नाम ऐसा रखना है मिठाई का दुकान का नाम ऐसा रखना है जहाँ से लोगों को अपनापन लगे कि यार बहुत अच्छी दुकान है, और मिठाई का नाम, दुकान का नाम भी आप मिठाई के नाम के हिसाब से आप दुकान का नाम रखें, ठीक है। और अपन बात करें मार्केटिंग की, तो आपको ऑफलाइन की मार्केटिंग की बात करें तो अखबार में इश्तिहार दे सकते हो, ठीक है। बाकी जो टेम्पलेट होते हैं वो टेम्पलेट छपवा सकते हो, टेम्पलेट बांट सकते हो भाई, ठीक है। आजू बाजू जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक होती है वहाँ पे टेम्पलेट्स बांट सकते हो। और आप अगर आप ऑनलाइन की बात करें तो सोशल मीडिया का सहारा लग सकते हो, तो जैसे इंस्टाग्राम पर किसी के ज़्यादा फॉलोवर है तो वहाँ पर आप अपना एड करवा सकते हो, ठीक है। उससे आपकी दुकान पॉपुलर हो जाएगी, उससे आपकी दुकान की ग्राहकी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। फिर मिठाई की दुकान की जोखिम, तो भाई जोखिम की बात करें तो मिठाई की दुकान की अपन जोखिम करें तो बहुत ज़्यादा मिठाई आपको नहीं बनानी है, ठीक है। मिठाई की दुकान में बहुत ज़्यादा मोटा मिठाई की दुकान ना आपको नहीं बनानी है, माप सर ही बनानी है। जैसे भाई चलती रहती है वैसे उस टाइप से मिठाई बनी, क्यों भाई बहुत ज़्यादा मिठाई बना दोगे, बहुत ज़्यादा ला के स्टॉक कर दोगे तो मिठाई बड़ी बड़ी ख़राब होने लग जाएगी, ठीक है। और मिठाई के अलावा आप क्या क्या रख सकते हो, तो मिठाइयों के अलावा अपन बात करें तो मिठाई के अलावा आप नान खटाई रख सकते हो, नमकीन रख सकते हो, जलेबी रख सकते हो, और अपन बात करें तो बिस्किट भी रख सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें आती है वो मिठाई की दुकान पर आप आराम से रख सकते हो, ठीक है। और फिर भाई सीज़न की बात करें तो मिठाई की दुकान की सीज़न होली, दिवाली, शादियों, ऐसी जो भी सीज़नें होती है, जो भी नॉर्मल सीज़न होती है, त्यौहार होता है शादियों की सीज़न, त्यौहार जो मतलब त्यौहार हो गया होली दिवाली रक्षाबंधन ऐसा कोई भी त्यौहार हो गया उसमें आपकी सीज़न बहुत ज़्यादा चलने लग जाएगी, ठीक है। अगर ये सारे मैंने टिप्स अपनी दुकान में आपने अमल कर दिए तो पर डे आपका 10 से 12 हज़ार का धंधा होने लग जाएगा, उसमें पर डे आपसे 3 से 4 हज़ार रुपये प्रॉफिट उसमें आपका रह जाएगा, ठीक है। और महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए आप कमा सकते हो। अगर स्टाफ की सैलरी और दुकान का रेंट सब कुछ निकाल के भी आपका महीने का 1,20,000 रुपये आपके आराम से बच जाएगा, ठीक है। फिर साफ सफाई की बात करें तो मिठाई की दुकान में आपको साफ सफाई अच्छी रखनी है, जैसे मक्खियाँ वक्खियाँ नहीं हो, एकदम अच्छी साफ सफाई रखनी है, झाड़ू पड़े एकदम झाड़ू एकदम, और पोछा दिन में 5 से 7 बार आपको पोछा मारना जिससे मक्खियाँ नहीं हो, और दुकान के बाहर आप अच्छी साफ सफाई रखें जिससे मक्खियाँ वक्खियाँ नहीं हो, ठीक है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है सारे व्हाट्सएप ग्रुप में फैला दीजिए भाई, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले धंधे के साथ में। धन्यवाद, भगवान आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे, और कमेंट में एक बार जय श्री राम जरूर लिख दें।